बायोडायवर्सिटी पढ़ रहे थे, और बायोडायवर्सिटी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी मैंने बताया था द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग थिंग, ये जो टर्म दिख रहा है उसी से डिफिनेशन निकल आती है बायोलॉजी में, आप देखिएगा तो ज्यादातर डिफिनेशन उसी टर्म से ही निकल आती है, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, रटना नहीं है। तो कहते हैं मैंने सुना है कि ये रटने का सब्जेक्ट है, लेकिन यह कुछ रटना नहीं है, टर्म से ही डिफिनेशन निकल आए। बायो मीन्स लिविंग, डायवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक, यहाँ डिफिनेशन बन जाएगी तो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बींग इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी की अगर बात करें तो हम लोगों को अभी तक 1.6 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज मिल चुकी है। पहले आपको डिफिनेशन जरूरी है, दूसरे अटैम्प्ट में आप पहले डिफिनेशन बताएंगे, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ दोनों आ जाएंगे, प्लांट और एनिमल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग बींग इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स इज नोन एज बायोडायवर्सिटी। दूसरा पॉइंट आप उसमें क्या करेंगे कि कितने अभी तक हम लोगों को नोन है, कितनी स्पीसीज नोन है लिविंग बींग की, तो आप बताएंगे 1.7 1.8 मिलियन स्पीसीज आर नोन, या 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आर नोन। और इनको अगर आप इकट्ठे पढ़ना चाहें तो आप नहीं पढ़ सकते एक साथ, अगर चीज के बारे में पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते हैं। इसके लिए करते क्या, हम लोग साइंटिफिक स्टडी करेंगे, और साइंटिफिक स्टडी में सिस्टमेटिक स्टडी में, साइंटिफिक में सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक स्टडी में आप करेंगे 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में अगर आपको मालूम देना है तो आप सबसे पहले या जो नई मिल रही है उनके बारे में पढ़ना है, रोज नई डिस्कवर हो रही है, इवोल्यूशन हो रहा है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है साइंस में वो है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला स्टेप हम लोग करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन इनको है क्या, एनिमल है या प्लांट है, और लिविंग है या नॉन लिविंग है, सबसे पहले ये देखते हैं अगर वो लिविंग है तो प्लांट है या एनिमल है, उसमें वो वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स है, ब्लड है या नहीं है, बहुत सारे कैरेक्टर देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन में जो आप बताएंगे यहाँ पर इसकी डिफिनेशन क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन होता क्या है आप बोलोगे, डिस्क्राइब कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल करेक्टली, मीन्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन, इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। कैरेक्टर सीख के बताएंगे वो कौन कौन से कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, मूव कर पा रहा है कि नहीं, अगर वो मूव कर रहा है तो एनिमल्स में उसके रेक्टम में सर्वाइवल है या नहीं है, ये सारे कैरेक्टर देखेंगे, जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होंगे या जो भी उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनकी स्टडी करके उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको फिर आइडेंटिफाई करके हो जाएगा, पता चलेगा कि हाँ चलो ये प्लांट है, एनिमल है, जो भी, तो आइडेंटिफिकेशन के
बाद हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, उसको नाम देने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो स्टेप होता है वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर को नाम देते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही देते हैं। जैसे आप शुरुआत में देखिए तो आंट वगैरह का जो नाम है चीटी का, आंट का उसमें एसिड बनती है फॉर्मिक एसिड, उस बेसिस पे उसको फॉर्मी का साइंटिफिक नेम दिया है फॉर्मी का। वैसे ही कई तरह से अलग अलग उनका साइन रहा या कैरेक्टरिस्टिक्स रहे, उनके बेसिस पर नाम दिया गया। नॉमेनक्लेचर क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसकी डिफिनेशन क्या होगी जो आपकी बुक में दिया गया है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक सच दैट, किस तरह से नाम देना है। ऐसे नहीं कि पंडित जी आए और आकर के उन्होंने नाम दे दिया तो वो नाम मान लिया जाए, वो तो अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से दिया जाता है। साइंस में बात करने का तो नाम कैसे होगा या नाम किस तरह से ऐसा नाम होगा जो पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह से जाना जाए, एक ही तरह से मीन्स वो नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग ना हो। जैसे आप देखें तो जो अपने यहाँ इंडिया में जो स्पैरो है उसको कुछ लोग गौरैया कहते हैं, अलग अलग जगह पर यहीं पर लैंग्वेज चेंज है। तो गौरैया जो बोलते हैं अपने यहाँ गौरैया स्पैरो, हाउस स्पैरो को, वो जापान में इसी को सुजून बोलते हैं लोकल लैंग्वेज सुजून। लेकिन उसका जो यहाँ पर साइंटिफिक नेम है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा, पैसर डोमेस्टिका। ये पूरे वर्ल्ड में पैसर डोमेस्टिका अगर आप बोल रहे हो तो सभी लोग, कहीं भी हो आप, चाहे किसी भी कंट्री में हो, वहां पर अगर आप पैसर डोमेस्टिका बोलते हैं तो वो समझ जाएंगे कि आप बात कर रहे हैं स्पैरो। लेकिन स्पैरो कहाँ है कि ब्रिटेन या अमेरिका में इंग्लिश, जहाँ अमेरिकन इंग्लिश है वहां स्पैरो बोलिए, इंडिया में उसको गौरैया, जापान में उसको सुजून, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है वो है पैसर डोमेस्टिका। तो किसी तरह से साइंटिफिक नेम ऐसा दिया जाए जो वर्ल्ड में सेम। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम, इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वो एक ही नाम से आल माता। तो नॉमेनक्लेचर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट नॉमेनक्लेचर, एक्सप्लेन द बेस्ट नेमिंग सिस्टम या एक्सप्लेन द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो नॉमेनक्लेचर का जो बेस्ट सिस्टम रहा, टेस्ट सिस्टम है, जो बेस्ट रहा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, वो आपके बुक में है, आपके सिलेबस में है, तो उसको हम लोग आइए स्टडी करते हैं। नॉमेनक्लेचर में अब आपको पढ़ना होगा किस तरह से नाम देते हैं, किसने बताया था इसके, तो सबसे पहले स्टार्ट किया था कैरोलस लिनियस ने, जो बेस्ट रहा उनका, उनकी बात कर रहा हूँ। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने किया, कैरोलस लिनियस ने, और इसको आप नाइन्थ में भी पढ़ते हो, यहाँ पर भी आपको टीच में पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर के बाद आप बहुत जल्दी बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इसी ये पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा आवाज हो रही है तो म्यूट कर दीजिए आप लोग, जिससे आवाज कम आए। आइए हम लोग पढ़ते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आईपीएससी वहां पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग सिस्टम है, वहां आईपीएससी ने क्लियर करती है कि किसका किस केमिकल का नाम क्या होगा। और यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो यहाँ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के लिए आईयूसीएन और आईसीईएन और आईसीजेडएन, ये भी आपको पढ़ना होगा यहाँ पर, ये दोनों इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर,
यदि आपको कुछ फॉर्म आपको तैयार होना चाहिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे पूछा, ये यहाँ पर ICBN ICJN इनके फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, वन मार्क क्वेश्चन में बहुत पूछा है। ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल, इनसे ये आगे चल करके मिस आपको नाम देंगे, ये जब उसको प्रूफ कर देंगे तभी वो माना जाए, इंटरनेशनल कोड फॉर ऑर्डेंटल, इंटरनेशनल कोड फॉर ऑर्डेंटल लॉन्ग। और यहां पर हो जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमिनेशन। ये तो बीच में आपने पूछा कि आप अपना नाम याद रखेंगे और नॉमिनेशन को ये अप्रूव करेगा, जो भी आप नाम दे रहे हो यहाँ से फुटबॉल के बाद ही वो आगे बढ़ेगा। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें अगर, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहे जाते हैं। अगर आपको पूछा जाए हु इज फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, देन यू टेल उनको भी आपको तैयार करना होगा। वो
फोर पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बताए हैं, उन फोर पॉइंट को आइए स्टडी करते हैं और उनको फॉलो करना जरूरी है। पहला पॉइंट इन्होंने बताया यूनिवर्सल रूल में कि बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं वो लैटिन से दिए जाते हैं और रिटन नेम इटैलिक। बायोलॉजिकल नेम मस्ट बी कहां से लिए जाएंगे, नेम इन लैटिन, लैटिन भाषा के होते हैं एंड रिटन इन इटैलिक। इटैलिक मतलब तिरछे अक्षरों, जब भी होंगे थोड़ा सा टिल्टेड होंगे, तिरछे अक्षर इटैलिक्स। और दूसरा पॉइंट उन्होंने यूनिवर्सल रूल में बताया कि बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड क्या बताएगा जीनस, एंड द सेकेंड वर्ड सेकेंड कंपोनेंट इज स्पीशीज। और तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि बायोलॉजिकल नेम है वो अगर हैंड रिटन, इफ हैंड रिटन, अगर हाथ से लिख रहे हो आप तो देन मस्ट बी अंडरलाइन, तब उसको अंडरलाइन करना जरूरी है, देन सेपरेटली अंडरलाइन, अलग अलग दोनों को जैसे मैंने किया है इस तरह से आप अलग अलग अंडरलाइन सेपरेटली अंडरलाइन। और अगर वो प्रिंटेड है तो डायलेक्ट में प्रिंट होंगे हमेशा, प्रिंटेड देन अगर वो प्रिंट कर रहे हैं तो डायलेक्ट प्रिंट किया जाए। और जो फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया लास्ट पॉइंट, फर्स्ट लेटर जो जीरस का होगा मस्ट बी कैपिटल लेटर एंड जीस का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इसमें होगा कैपिटल लेटर में हमेशा इतना होगा, और जीस का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर। ठीक, तो इस तरह से यहां पर ये आप बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में फोर पॉइंट्स की ध्यान कर लीजिए, इनको छोटा नहीं है। और एग्जांपल में मैंगो याद रखिए, इसके बाद कुछ मैं भी और बताऊंगा आपको, जैसे अलग से पूछा जाता है आप क्या जो सिलेबस में है उसको कवर करेंगे। अगर लीपर्ड वगैरह का भी पूछ लेते हैं, जो पर कभी आपने सुना नहीं होगा, लीपर्ड का जो साइंटिफिक नेम होगा वहाँ पैंथेरा पार्डस, वो आगे मैं भी बताता हूँ आपको। इतना आप इसको कवर करिए, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। डिफिनेशन हो गई, फोर पॉइंट्स हो गए, फोर पॉइंट्स से देख लीजिए कि हमेशा जब भी ये बायोलॉजिकल नेम होंगे वो लैटिन में होंगे, लैटिन लैंग्वेज में, और रिटन कैसे लिखे जाएंगे, फर्स्ट वर्ड जीनस होगा और सेकंड वर्ड स्पीशीज। अगर हैंड रिटन है तो अलग अलग अंडरलाइन करिए, नहीं तो नंबर आप कटेंगे एग्जाम में, अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है साइंटिफिक नेम। एंड इफ प्रिंटेड देन इन इटैलिक, और अगर ये प्रिंट है बुक में तो इटैलिक में। फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस मस्ट बी इन कैपिटल लेटर एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज मस्ट बी इन स्मॉल लेटर। ये इसका यूनिवर्सल रूल था साइंटिफिक नेम लिखने का, एक मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, आगे जैसे ऐसे मिलते जाएंगे। तो मैंने बताया भी कि अलग से पूछा गया है, लिपर्ड याद कर लीजिएगा, लाइन वगैरह तो आपको याद रहता है, पैंथेरा जियो, लिपर्ड का साइंटिफिक नेम होगा पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। लिपर्ड का अलग से याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट रहता है ये, एक नंबर में आप यहाँ डॉट टाइप में पूछा जाता है, सिलेबस में अभी आगे मिलेगा आपको। तो और जितने ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक नेम याद हो जाए उतनी अच्छी बात है, जैसे ओनियन कैलियम सेपा, गार्लिक कैलियम सेटाइवा, पोटैटो का सोलेनम नाइट्रा,
सोलेनम ट्यूबरोसम पोटेटो का, पोटेटो को सोलेनम ट्यूबरोसम, मकोई का सोलेनम नाइग्रा, ब्रिंजल का सोलेनम मेलोंजिना, मस्टर्ड रिस्का कंपेस्टिस, बी पाइसन से टाइबा। तो ये जो भी साइंटिफिक नेम है जितनी ज्यादा याद हो जाए उतनी अच्छी बात है। आप घर में भी इसी तरह से आप बोल सकते हो कि ओनियन लेना आपको तो आप ओनियन की जगह एलियम सेपा बोले, बीट की जगह आप क्रिटिकम एस्टिवम बोले, राइस की जगह आप ओराइजा सेटाइबा बोले। तो घर में भी आप अपने साइंटिफिक नेम से उनको बुलाए तो जल्दी याद हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा आपका ये कवर होता है। कुछ अगर इसमें पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? आइए नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ा जाए। नॉमेनक्लेचर होने के बाद जब नाम दे देंगे आप उसको तो आप एक पर्टिकुलर क्लास में आप रखेंगे। क्लासिफिकेशन स्टेप इसके बाद होगा और क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे, उनको अलग ग्रुप में कैसे रखेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज यहीं पर इसको रोकते हैं क्योंकि बाकी लंबा है। इस क्लासिफिकेशन के बाद आप टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में जाएंगे। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टैक्सोनॉमी जो कि आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, तो उसे हमें पढ़ना भी नहीं है हम लोगों को। हम लोगों को बस क्लासिफिकेशन तक कवर करना है, तो उसको कल कवर करा के क्वेश्चन आंसर कुछ देख लेंगे इंपॉर्टेंट, और नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे क्योंकि टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स आपके यहाँ से इस साल डिलीट कर दिया गया। दिस ईयर यू डू नॉट, यू विल नॉट स्टडी अबाउट टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स और टैक्सोनॉमी, पूरी तरह से डिलीट कर दिया। आप रिलेटेड सिलेबस देख सकते हैं। तो हम लोग क्लासिफिकेशन तक चलेंगे जहां तक है, फिर आगे टैक्सोनॉमी पूरी पूरी आपको नहीं पढ़नी। तो ठीक है, चैप्टर फिर एक तरह से लगभग फिनिश है। तो कल इसको हम लोग लास्ट जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेंगे। तो आज यहीं पर क्लास को रोकते हैं। कल आप